हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन नंबर 14। तो उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, सॉरी 14 बोल रहे, सेशन नंबर 4 है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हो गए थे कहां तक हमारे, कल हमारे हो गए थे 70 तक क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। आज उसके आगे देखना है, ऑफलाइन बैच चल रहा है, ठीक है। जिसको इनरोल करना है कर सकता है, क्योंकि अब एक एक लेक्चर का इंपॉर्टेंस तुम समझ सकते हो, कितने टॉपिक्स या फिर कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे छूट सकते हैं या नहीं छूट सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तुमको क्या करना है, बट सलाह यही है कि जितना जल्दी हो सके, यहीं पर नहीं, कहीं पर भी जितना जल्दी इनरोल हो सकते हो जाओ, ठीक है ना। चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले हर सेशन का इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्यों दिया है, कैसे दिया है, फिर वही पूरे क्या कहेंगे ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में या किसी ग्रुपों में। अगर चैनल पसंद लेक्चर पसंद है तो इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्वेश्चन नंबर 71। दिए गए चित्र में प्रतीक किसका है। देखो एक आगे क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था, हम बताए थे कि देखो पक्का है किसका है, ये पूछा था कि UGT, तो UGT में बताया था तुमको क्या होता है, क्योंकि जो पूछा था किसका सिंबल था वो JFET का था, तो हम बोले थे देखो पक्का नहीं होगा, UGT क्रॉस कर दी थी UGT के लिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि UGT की एक्चुअल सिंबल ये होती, बताए थे दो बेस होता है, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में होगा, ठीक है। तो उसको आराम से देख लेना। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, दो बेस है, एक B1 है, दूसरा B2 है, यानी दो बेस है और एक एमीटर है, और ये क्या है हमारे करेंट की दिशा है। तो ये सिंबल किसका होता है हमेशा याद रखना, दो बेस किस में पाए जाते हैं, ओनली K1 UGT में पाए जाते हैं, और किसी में भी क्या होता है दो बेस नहीं होते, ये स्पेशल टाइप के बने जाते हैं। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म की देखेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इम्पॉर्टेंट है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बन जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये देखो जी ये क्या पूछती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है खासकर एग्जामों में जो इतना ईजी हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से किसका ताप गुणांक है, ठीक है। ताप गुणांक यानी तापमान बढ़ने पे उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को ताप गुणांक कहते हैं पदार्थ का, ठीक है। देखो जैसे किसी ताप गुणांक मिनिमम मैक्स क्या बोलते हैं, तीन टाइप के होते हैं मेनली, कौन सा होता है, एक हो जाएगा सजीव PTC, एक दूसरा हो जाएगा NTC और तीसरा क्या हो जाएगा ZTC, ठीक है। फेवरेट है ZTC। PTC क्या होता है, जब तापमान बढ़े तो सजीव टेम्परेचर, जब तापमान बढ़े तो प्रतिरोध का मान बढ़े, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, NTC हो जाता है, तापमान बढ़े तो प्रतिरोध का मान घटे। तीसरा सर, तापमान बढ़े मगर उसके प्रतिरोध से कोई प्रभाव नहीं पड़े, जैसे किसकी बात करते हैं, मैग्नीन ZTC, ठीक है। सारे इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर किस में चले आते हैं सर, NTC में चले आते हैं। सारे जितने भी धातु होते हैं या फिर जो चालक होते हैं वो किस में चले आते हैं हमारा, PTC में हो जाते हैं। तो PTC ही पूछा है ना, धनात्मक ताप गुणांक पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और बाकी जितने भी सारे दिए हुए हैं तब सारे क्या हैं, NTC है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय घटक है, सक्रिय घटक मतलब एक तरीके से कहें तो सोर्स का काम करता है, ठीक है। तो कौन कौन करता है, देखो RLC जितने भी है, RLC याद रखना, RLC ये सब क्या है हमारे, पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस का मतलब समझते हो, केवल खाना जानते हैं, ठीक है, कि देने की बारी आई तो शांति से बैठ जाएंगे, ठीक है, यानी केवल एब्जॉर्ब का पावर एब्जॉर्ब करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं। मगर जो हमारा ये जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड ये क्या करता है हमारा, एक तरीके से एक्टिव सोर्स की तरह काम करता है। देखो वोल्टेज नहीं बनाता मगर एक तरीके से कहें तो वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, ठीक है, इसलिए इसको ले सकते हैं कि हमारा किसके तरह काम करता है, एक एक्टिव सोर्स की तरह कार्य करता है, ठीक है, इसको याद रखना, एक्टिव सोर्स या फिर एक्टिव डिवाइस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 74, 3 का नंबर बटा है, ठीक है, और ये हम तो इसी चैप्टर में करा चुके हैं, ज़्यादा नहीं, एक डेढ़ हफ्ता पहले की बात है, ठीक है। पूछा क्या है, यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है तो प्रभावी मान यानी इफेक्टिव मान यानी RMS वैल्यू, देखो एक ही नाम है, प्रभावी मान बोले, इफेक्टिव वैल्यू पूछे या फिर RMS वैल्यू पूछे, सभी एक ही नाम है, तुमको पता है सर जी। AC वोल्टेज देखो एक तरीके से गलती यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन पता है, केवल इसमें AC वोल्टेज दिया है सर, AC वोल्टेज में मतलब साइन आप समझ रहे हैं कि हम तो समझ गए कि सर जी साइनसोइडल की बात कर रहे हैं, मगर इसमें आपको देना चाहिए था, नहीं तो
कोसाइन भी तो क्या होता है, एसी होता है। स्क्वायरल वेव भी तो क्या होता है, एसी होता है। ट्रायंगुलर की बात करें वो भी तो एसी होता है, तो आपको अच्छे से दे देना चाहिए था। फिलहाल बहरहाल नहीं दिए, चलिए मैं एसी साइनसोइडल ही मान के किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाता है, वी एम बाई रूट टू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें वी एम की वैल्यू कितनी है हमारी, 340, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हो तो समझ में आएगा अच्छे से। कितना दिया है सर, दिया है 340। क्या दिया है, 340 दिया है। तो ये कितना है हमारा, 340 है गुड़े 1/√2 की वैल्यू 0.707। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे आंसर, यू डेफिनेटली गेट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो हेयर वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 72 आर अप्रोप्रिएटली राइट, अंडरस्टैंड। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जूम हिम। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान ट्रांसफार्मर में नहीं होता। यू हैव ऑलरेडी नोन दैट ट्रांसफार्मर इज आवर स्टैटिक डिवाइस नॉट डायनेमिक डिवाइस। तो वी कैन से दैट इन स्टैटिक डिवाइस देर इज नो एनी काइंड ऑफ मोशन वाइब्रेशन एक्सेट्रा। तो वी कैन से दैट फ्रिक्शन लॉस इज ओनली जनरेटेड बाई मोशन फ्रिक्शन एंड ऑल अदर इश्यूज। तो वी कैन से दैट हियर फ्रिक्शन लॉस इज नेवर बी पॉसिबल इन स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक मशीन और स्टैटिक ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में कभी भी घर्षण हानि नहीं हो सकती क्योंकि उसमें गति नहीं होती है, ठीक है। तो घर्षण हानि भी सर कहाँ होगी, बाकी ये जो सारे तीन दिए हुए हैं ये तीन होते हैं, ठीक है। ये तो फ्री का नंबर है, देखो 75। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, ओ अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से क्या निरपेक्ष उपकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। निरपेक्ष उपकरण का मतलब समझ रहे हो, निरपेक्ष उपकरण का मतलब जो तुमको रीडिंग ना दे, ठीक है, तुमको रीडिंग ना दे बस डिटेक्शन दे दे कि अच्छा ये हो सकता है। देखो वोल्टमीटर सजी रीडिंग देता है, वाटमीटर तुमको बताएगा परिमाण बताता है, आवृत्ति सर परिमाण बताएगा, मगर जो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर या नॉर्मल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये तुमको केवल क्या बताता है, तुमको बस बताएगा यस अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उपलब्धता है कि नहीं। यानी धारा रहेगी तो हल्का उसका डिफ्लेक्शन दिखा देगा, वोल्टेज रहेगा तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा, पावर रहेगा तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा, मगर कितनी पावर है, कितनी धारा है या कितनी करंट है इसका कोई जिक्र नहीं करता है। जिसको निरपेक्ष उपकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निरपेक्ष उपकरण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोटा कर दें। चलो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि निम्नांकित आरेख में दर्शाया गया डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रक विधि कौन सी। तुम यहाँ से साफ साफ देख सकते हो यार, ये क्या है, सर जी आर्मेचर के साथ क्या लगा है, एक प्रतिरोध रखा है, ठीक है। यानी किसको कंट्रोल करेगा, सर आर्मेचर में बहने वाली धारा को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो देखो फील्ड वाइंडिंग कभी नहीं सर, इनमें से कोई काम नहीं कर सकते, तो एकदम ही गलत है। दूसरा वोल्टेज नियंत्रण नहीं है सर, यहाँ पे करंट नियंत्रण होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सीरीज में है तो धारा बहेगा उसका विरोध करेगा या फिर उसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसको कम करने का प्रयास करेगा। यानी हम वेरिएबल प्रतिरोध की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर के प्रतिरोध को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है। आर्मेचर प्रतिरोध विधि हमारी एकदम सही आंसर है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी मानक एसी मीटर क्या इंगित करता है। सही बात है, सिंपल बात है, अच्छी बात है, ठीक है। जूम करते हैं ना, तुम लोग को दिक्कत ना हो, हमको दिक्कत है चल जाएगा। सभी मानक एसी मीटर क्या इंगित करते हैं, हमको पता है कि जितने भी, याद रखना ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी एसी होते हैं वो मेनली यानी अधिकतम केस में ही होगा, एसी आरएमएस डीसी सर, तो सर डीसी एवरेज वैल्यू यानी औसत वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एसी में कंटेंट डीसी वैल्यू को ही एवरेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना जितने भी एसी मीटर होते हैं अधिकतर क्या दिखाते हैं, अधिकतर के केस बोल रहे हैं हमेशा सर आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुमको भी देखने का मन नहीं करता है, ठीक है, मगर जो बेसिक पढ़ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 79, 50,000 वृत्ति की समय अवधि, हमको पता है सर जी एफ बराबर कितना होता है, 1/T होता है, तो टी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब टी निकालना है
तो टी निकालना है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी एफ की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी हुई है, 1/T निकालनी। तो जब टी करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/50 हो जाएगा। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 20×10⁻³ sec ये हो जाएगा। अब इसको तुम चाहो तो 20 मिली सेकेंड भी कह सकते हो, क्योंकि 23×10⁻³ की वैल्यू क्या होती है, मिली होती है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, f=1/T, इसको याद रखना है हमेशा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी इजी सवाल, इतनी खुशी कभी नहीं मिली होगी। मल्टीमीटर, सॉरी वाइट हो गया क्या जी, देखते हैं। हाँ, ब्लैक के वाइट अपने आप हो जाता है। मल्टीमीटर है, ठीक है, मल्टीमीटर बोलो, चाहे इसको, इसको क्या बोलते हैं, एवीओ भी बोलते हैं, अमीटर वोल्ट ओम, एवीओ मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को तो इसको याद रखना, मल्टीमीटर क्या करता है हमारा, सभी को मापता है, करंट वोल्टेज प्रतिरोध सभी मापा जाएगा। ठीक है, एक ही उपकरण से, सही है, और तुमको, तुम उसका यूज़ भी किए होगे लेबोरेटरी में, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से मोटर स्टार्टर सक्रिय नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी आरंभक सक्रिय नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण मोटर स्टार्टर सक्रिय नहीं कर पाएगा। पहली कहानी कम वोल्टेज, दूसरा बिजली की आपूर्ति में विफलता, तीसरा मोटर पर भार के दीर्घ अधिकता, या चौथा मोटर पर भार के दीर्घ स्थायी कमी। तो स्टार्ट क्यों नहीं, मोटर में स्टार्टर सक्रिय नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, तो देखो कम वोल्टेज नहीं, कहाँ गया जी, इसको काटते हैं, देखो कम वोल्टेज नहीं सर जी, बिजली की आपूर्ति में विफलता नहीं सर जी, इससे तो एकदम बंद हो जाएगा, मोटर पर भार की दीर्घायी अधिकता, भार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप चले गए, यानी ये सब तीन कारण क्या है मोटर के न चलने के। ठीक है, और ये जो स्टार्टर सक्रिय हो पाने के कारण क्या है, मोटर पर भार की दीर्घायी स्थायी कमी के कारण। निम्नलिखित में से किस कारण से मोटर आरंभक यानी स्टार्टर सक्रिय कार्य सक्रिय नहीं कर पाएगा, तो यही कारण है कि मोटर स्टार्टर जो सक्रिय नहीं हो पाता उसका मेन कारण क्या है, ये मोटर पर भार की दीर्घस्थायी कमी के कारण। ठीक है, इन सब के कारण तो क्या होगा, एकदम ही मोटर ही नहीं स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, मोटर ही नहीं, और यहाँ पे किसकी बात हुई, स्टार्टर की बात हुई है, सही है ना, ये चीज़ देखना। कभी कभी लगेगा तुमको सर ये तो चार ही ऑप्शन सही है, ठीक है, मगर ये क्या है, मोटर को हमेशा, अरे सॉरी, मोटर को एक तरीके से कहें तो एकदम नालायक बना दे रहे हैं, तीन नीचे का ऑप्शन, ऊपर वाला नहीं। ठीक है ना, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक स्रोत, ऐसा भी क्वेश्चन, चलो ठीक है, जब पूछा है तो होगा ही कुछ ना कुछ। देखो नाभिकीय संलयन क्या है सर, नाभिकीय संलयन एकदम सही है, हाइड्रो पावर प्लांट एकदम सही है, विंड पावर प्लांट एकदम सही है, क्या मून पावर प्लांट देखे वास्तव, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चांद, सही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये चारों ही क्या है हमारे, हैं एक तरीके के, ईंधन कहो तो भी गलत नहीं, ईंधन है, मगर चांद कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ ये याद रखना, चांद का एक जगह इंपॉर्टेंस हो जाता है, कहाँ पे, जब टाइडल पावर प्लांट पड़ते हैं तब, ठीक है, जब ज्वार भाटा उठता है तब वाली पावर प्लांट में थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि चांद और पृथ्वी के आकर्षण के कारण ही क्या होता है, ज्वार भाटा उठते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है चांद का। ठीक है ना, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, डीसी मशीन में आर्मेचर कुंडलन की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के, क्वेश्चन क्या है, अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा क्या कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, जो एवरेज पिच होता है, जो हम क्या बोलते हैं वाई ए, यानी जो एवरेज पिच होता है वो क्या होता है, वाई बी प्लस वाई एफ अपॉन टू, यही फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज पिच का, एवरेज ही पूछा है, अग्र अंतराल यानी फ्रंट पिच, पश्च अंतराल मतलब बैक पिच, और उसका योग का आधा क्या होता है सर जी, औसत अंतराल कहलाता है, फॉर्मूला बता ही दें क्या कहलाता है, औसत अंतराल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितनी विद्युत डिग्री बनती है। देखो दो फेज है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जब दो फेज की बात करेगा दो फेज मोटर की तो 90 डिग्री, ठीक है। और यही क्या है इसका, एक तरीके से कहें तो अपवाद है, फिर उसके बाद सारी कहानी सही चलने लगती है। थ्री फेज की बात करेंगे तो कहेंगे सर 360/3 फेज, 360/3 फेज, ठीक है। चार फेज रहेगा तो सर जी 360/4 फेज, और जब ऐसा कर दोगे तो फिर 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर उसी फेज में टूट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तीन फेज के लिए याद रखो कितना होता है, तो इसको करोगे सर ये 120 हो जाएगा, और सर जब इसको करेंगे, ये तो आइडियल इसी का पूछा ही है, तो इसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी स्टार्टर वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग पहले तो पैरेलल में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़ने के साथ साथ कितने में टूटे होते हैं, 90 डिग्री पर टूटे होते हैं। एक्चुअली ये होते नहीं है, होते एक ही फेज है, मगर इनको दो फेजों में तोड़ने के लिए 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल का क्या करते हैं, कालांतर करते हैं, ठीक है, स्थापन करते हैं, जिसको स्प्लिट करना बोलते हैं, स्प्लिट फेज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को तीन फेज की आपूर्ति से जोड़ने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो जब तीन फेज से जोड़ते हो तो एक तरीके का क्या होता है, फील्ड निर्मित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग, जिसको घूर्णी है तुम लोग बोलते हो रोटेटिंग, रोटेटिंग फील्ड बोलो या रोटेटिंग फ्लक्स बोल लो अपने हिसाब से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जब एसी होता है तो याद रखना है एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है, अल्टरनेटिंग, जब सिंगल फेज सप्लाई देते हो तो अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती फील्ड उत्पन्न होता है। मगर घूमने के लिए हमेशा किसी चीज़ को तुमको रोटेट कराना है तो हमेशा तुमको क्या का यूज़ करना पड़ता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करना पड़ता है। इसलिए थ्री फेज में क्या प्रयोग करते हैं, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, यानी एच की, एच ही पूछा है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर सर एन आई बाई एल, इसकी यूनिट की बात करें तो सर क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर मीटर। और इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, इसको कभी कभी सर अपनी भाषा में बोल देते हैं क्या, इसकी यूनिट और लेने लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिखा जाता है ओरेस्टेड, साइंटिस्ट हुए थे इसलिए उन्हीं के नाम पे एक यूनिट ये भी बन जाती, कौन थी, ओरेस्टेड, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी एम्पियर एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है, एच बराबर एन आई बाई एल, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइटनिंग अरेस्टर टू प्रोटेक्ट द सबस्टेशन फ्रॉम लाइटनिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन, कहाँ पे करते हैं जी, हमेशा हाई टेंशन साइड ही करेंगे। क्यों हाई टेंशन साइड करेंगे जी, हमेशा इसको जो कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाएंगे, ठीक है, लाइटनिंग के प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा हाई वोल्टेज साइड क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं हाई वोल्टेज साइड यानी हाई, और क्या होता है जो लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा प्रोटेक्ट किससे करता है, हाई वोल्टेज के जो सर्जेस आते हैं उससे ही प्रोटेक्ट करता है। तो हमेशा कहाँ लगाओगे, ये प्राइमरी सेकेंडरी जो दिया है तुमको वर्गलाने के लिए दिया है, लो टेंशन नहीं करते क्योंकि लो वोल्टेज खुद ही होता है। तो हमेशा जो सर्ज अरेस्टर लगाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, वो कहाँ लगाते हैं, हाई टेंशन साइड लगाते हैं, ठीक है। और याद रखना जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ट्रांसफार्मर के किस साइड लगता है, तो सर जी अगर ये हमारा बक्सा है, ट्रांसफार्मर का बक्सा है, तो लाइटनिंग अरेस्टर इस साइड भी लगाओगे, लाइटनिंग अरेस्टर इस साइड भी लगेगा, ठीक है। यानी बोथ साइड क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ज़्यादा जी में पूछा जाता है, ठीक है, तो तुम लोगों को भी पूछ ले तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। चलो प्लेट अर्थिंग के लिए जीआई प्लेट का आकार क्या होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होता है तो अच्छा है, ज़्यादा होने के लिए बोला कि इससे कम ना होना चाहिए, क्योंकि जानते हो हमको पता है क्या कि सर जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहेगा उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस घटता रहेगा, एरिया बढ़ाओ रेसिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटाओ तो रेसिस्टेंस बढ़ता रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना बड़ा प्लेट होता है उतना बढ़िया है। अब इतना भी बढ़िया मत कर देना है कि तुमको बाइक घर बेचना पड़ी है, ठीक है, तो एक औसतन लेके चलते हैं। तो जब जीआई पाइप की बात होती है तो सर जीआई जो प्लेट होती है उसके अब कितना होता है, ये होता है जीआई प्लेट का, ठीक है। और जब किसकी बात करते हैं, इसमें चाहे तो कॉपर का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो जब कॉपर का प्रयोग करते हैं तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं 3.15 समथिंग, इसका प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है, एमएम किसके लिए, कॉपर के लिए 3.15, और बाकी चीज़ वही रहती है, सही है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, देखो 60-60 ये रहेगा, यहाँ पे मुलत देखो थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 3.15
15 हो जाता है। किसके लिए? कॉपर के लिए। मगर यहाँ पे GI पूछा है तो यही बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही है जी, लाइटनिंग सर्किट के लिए फ्रेम उपयोग करना है। हाँ दिया है, देखो क्वेश्चन वही पूछा है कि वह कौन सा क्रॉस सेक्शन होगा कॉपर का जिसके लिए तुम कहाँ लाइट फ्रेम सर्किट में प्रयोग करते हो। तो देखो जब कॉपर की बात किया, पीछे एल्युमिनियम का पूछा था तो उसका भी बताया पहले या दूसरे लेक्चर में इसी का, और जब इसमें पूछा तो क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। और अगर यही देखो पावर के लिए पूछेगा एल्युमिनियम का, पावर का पूछेगा एल्युमिनियम का, तो ये टिक करके आओगे 2.50 mm एल्युमिनियम का जब होगा तब किस सर्किट में? पावर सर्किट में, लाइटनिंग में नहीं, एल्युमिनियम का। और ये देखो ये किसके लिए है तो लिख देते हैं, ये एल्युमिनियम का है किस सर्किट में? पावर सर्किट में। ये भी क्या है? ये कॉपर का है मगर किस में? पावर सर्किट में। ठीक है, ये किसका है? कॉपर का है, किस सर्किट में? लाइटनिंग सर्किट का है। तो कॉपर का लाइटनिंग सर्किट में कितना हो जाता है, सॉरी एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कितना हो जाता है था जी 1.5 mm हो जाता है, इसको भी याद रखना है। सही है, चलो अगला देखते हैं। द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर जनरली मेड फॉर, इससे भी आती है यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखो पूछा है तुम लोग के लिए यूपी पीसीएल में, इजी सवाल है। ठीक है, फिर मत कहना सर हमको मनोरिजेंस नंबर पढ़वाना है। और सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, इसी तरह इंपॉर्टेंट सेशन मिलते रहेंगे। जितने भी फील्ड कॉइल है केवल जनरेटर की बात नहीं करेंगे, मशीन पे करो, किसी चीज़ पे करो, हमेशा अधिकतर करने को तुम किसका एल्युमिनियम की भी बाइंडिंग कर सकते हो, मगर वो क्या होता है जल जल्दी आती है, ख़राब जल्दी रहती है, इंसुलेशन जल्दी ख़राब होती है। ठीक है, यानी कि कहते हैं लाइफ कम होती है, मगर इंसुलेटेड कॉपर वायर का करते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलता है। अब भले ही थोड़ा महंगा पड़ जाए मगर क्या होती है लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि उसकी रेटिंग करने की क्षमता अधिक होती है। तो अपने घर में देखे होगे जब बाइंडिंग कराते हो तो बोलते हैं भैया एल्युमिनियम का सस्ता पड़ेगा कॉपर का महंगा पड़ेगा, तो तुम समझ सकते हो एल्युमिनियम सस्ता पड़ेगा तो क्यों बोल रहा है वो। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? परमाणु की बात करें तो देखो ये कल का लेक्चर है, कल या कल, हाँ कल पढ़ाए थे ना, सैटरडे को पढ़ाए ना, तो परसों का लेक्चर है। तो यूरेनियम, यूरेनियम कौन सा जी? यूरेनियम 232 प्रयोग करने को कौन सा कर सकते हैं? 237 भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर अधिकतर बहुलता इसकी होती है इसलिए अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखो क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना है तो तुम थोरियम का भी कर सकते हो, किसका? थोरियम का भी प्रयोग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोरियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोलोनियम का भी कर सकते हैं, मगर सबके अधिकतर नहीं, अबंडेंस नहीं है, इसलिए क्या होता है थोड़े महंगे मिलते हैं, इसलिए जो यूज़ है उसी करो। पानी का कहाँ करते हो? तो सर जी पावर का, पानी का हाइड्रो, ये डीजल पावर प्लांट, ये क्या होता है थर्मल पावर प्लांट, इसको याद रखना है। सही है, चलो नेक्स्ट देखो। ओ शिट, ये किसका सिंबल है? तो लग तो रहा है कि समथिंग ये चार डायोड की तरह दिख रहे हैं सर, ये समथिंग चार डायोड की तरह दिख रहे हैं, ये जो है 1, 2, 3, 4 ये चार डायोड की तरह दिख रहे हैं। सही है, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सर हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो पूछेगा कौन सा रेक्टिफायर है, तो कहोगे सर ये फुल वेव रेक्टिफायर है। कौन सा है? सर ये फुल वेव रेक्टिफायर है। क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर है। कोई दिक्कत है ये, क्योंकि चार ब्रिज लगे हुए थे तो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। और करता क्या है ये, पूरे के पूरे सर्किट को क्या कर सकता है? इसी को DC में बदल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जनरेटर स्टेशन है जो क्या करता है? हीट एनर्जी कोयले के किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जाहिर सी बात है, इजी सी बात है, सिंपल बात है। ठीक है, हीट एनर्जी यानी कोयला होता है, कोल की हीट एनर्जी। ठीक है, कोल की हीट एनर्जी, कोल कहाँ प्रयोग करते हैं जी सर जी? स्टीम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, कुछ भी कह सकता है। स्टीम इसलिए बोलता है क्योंकि हम बॉयलर में स्टीम जनरेट करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है, करने को न्यूक्लियर में भी करते हैं मगर मेनली इसी के लिए प्रयोग किया जाता है, कोयले के लिए। तो कोयल की जो हीट एनर्जी, उसको कंबसन करके हम क्या करते हैं? उसे हीट जनरेट करते हैं, उससे पानी गर्माते हैं, पानी गर्मा के वाष्प बनाते हैं, उसको टरबाइन पे छोड़ते हैं, टरबाइन हमारा अल्टरनेटर घुमाता है। तो स्टीम पावर प्लांट इसीलिए इसका नाम पड़ गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये किसका सिंबल है? आगे क्वेश्चन कट गया है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कट गया तो छोटा कर देते हैं। ये देखो ये किसका सिंबल है? आइडेंटिफाई द वायरिंग टाइप। तो ये जो वायरिंग टाइप है तुम पढ़े होगे ITI में सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो किसका सिंबल होता है? स्टेयर केस का नहीं होता है। स्टेयर केस में क्या होता है? लगभग 2 स्विच का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, हॉस्टल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग नहीं, टनल वायरिंग। ठीक है, क्योंकि टनल में एक जगह कई सारी लाइटिंग होती है,
एक ही तरह कई सारे लाइटिंग होते हैं, जैसे जैसे जलाते जाओगे जलता जाएगा, फिर जैसे जैसे आओगे तो बुझा कर चले आओगे, ठीक है। तो इसलिए किसका हो जाता है सर, ये हमारा हो जाता है टनल डायोड का हो जाता है। किसका? टनल डायोड। टनल मतलब गुफा होता है, गुफा में इसी तरह के लाइटिंग कहते हैं, जैसे जिसके अंदर से रोड जाती है तो अंधेरा अंधेरा होता है ना, तो बल्ब जलता रहता है ना, देखते हो लाइट से लगी, लाइन से लगी होती है, तो वो इसी तरीके से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना सही है। देखो याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है। पहला रूल 77, याद रखना रूल नंबर 77 और 79 तुमको कन्फ्यूज करते हैं, 79 भी यही है लगभग, 79 भी यही है, बस अंतर क्या रहता है पता है, ये सड़क से लेने, ये जो होता है सड़क से बात करता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा 79 है, इसको भी लिखेंगे, ये तुम्हारा 79 है, 79 तुम्हारा बात करता है किससे, छत से या तुम्हारे हाउस से बात करता है, हाउस तुम्हारे घर से मापने लगता है, जो तार के ऊपर से तुम्हारे घर से छत के ऊपर से तार गई है या बगल से गई, तो उसके उससे मेजरमेंट लेता है घर से, और ये तुम्हारे सड़क से लेता है। तो देखो इसमें यही पूछा है, तो 79 भी याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है, देखो इसमें पूछा है यही, इसमें यही पूछा है कि नियम नंबर 77 के अनुसार सड़क के किनारे से निम्न और मध्यम वोल्टेज के बीच में कितना अंतर होता है। तो सर ये कितना होता है, 5.8 होता है। कितना होता है, 5.8 होता है। और याद रखना अगर ये रोड गई है तुम्हारी, ये देखो कहना क्या चाह रहा है, अगर ये रोड गई है जिसके किनारे से कंडक्टर गई है तब कितना है, 5.8। और अगर यही इसको क्रॉस कर रही होगी तो तुम्हारा कितना हो जाएगा फिर, तब तुम्हारा सर हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, इसको भी याद रखना है, ठीक है। सॉरी 6.8 नहीं, 6.1 हो जाता है, 6.1 मीटर हो जाता है, क्योंकि क्रॉस करता है तो हो सकता है कि नीचे से कोई लंबी ट्रॉली उली जा रही हो तो लड़ने का चांसेस है, तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब साइड से आता है तो थोड़ा नीचे भी रखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो आई होप बाबू तुमको सेशन आज का पसंद आया है, और सेशन पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है हमारे लिए, ठीक है। क्या करना है, लाइक करना है, तो इसको लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, और चैनल पे नए तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, इसी तरह डेली तुमको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन बैच चल रहा है, जिसको अपनी दिखाना, क्या बोलते हैं, अपना हीरोगिरी दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं, तो ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, बहुत मदद होगा तुमको, सही ना। नहीं तो कहीं पे भी करो या नहीं दिक्कत है, कर लो, क्योंकि एक एक दिन बीता और एक एक दिन तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट तुम समझ नहीं रहे हो। अभी UPRVNL का 10 दिन में डेट आ जाएगा, फिर DRDO का 20 दिन में डेट आ जाएगा, फिर इसी तरह बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।